अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बजरी की कॉलोनी में लगाना चाहता था और आप अक्सर कमेंट्स में भी पूछा करते थे कि बजरी की कॉलोनी आप कब लगा रहे हैं। सच्ची बात बताऊँ तो मैं बहुत अभी लेट करना चाहता था, तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद लगाना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि मेरे पास परसों मेरे एक सब्सक्राइबर आए जिनका नाम अली रज़ा शाह है और वो मुझसे परचेज़ करना चाहते थे कुछ फिंचज़ के पट्ठे। और जब वो मेरे पास परचेज़ करने के लिए यहाँ मेरे पास आए मेरे सेटअप पर, तो उनके पास मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा गिफ्ट था जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और वो गिफ्ट जो है वो उन्होंने जब मुझे दिया तो मैंने उसका एक क्लिप भी बना लिया था। तो आइए सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, आज मैं और मेरी टीम यहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ यहाँ मटकियाँ वगैरह लगानी थी, कुछ इधर कॉलोनियों का भी काम चल रहा था। तो काम के दौरान अचानक जो हैं अली भाई आ गए, इनका पूरा नाम अली रज़ा शाह है और ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और साथ ही साथ ये हमारे पास आए थे कुछ फिंचों के पेड़ ख़रीदने के लिए। तो जब ये हमारे पास पहुँचे तो हमने देखा कि ये गिफ्ट भी हमारे लिए लेके आए हुए, तो देखते हैं इनके पास कौन सा गिफ्ट लेके आए। दिखाइए, देखिए फ्रेंड्स, ये गिफ्ट लेके आए, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये दो पेयर हैं बजरी के, बहुत खूबसूरत हैं। एक इसमें वाइट कलर का बजरी है और इसके अंदर और भी रंग बिरंगे ग्रीन येलो हर कलर के हैं। तो ये इसमें दो पट्ठे भी हैं जो सेल्फ हो चुके हैं, इस तरीके से ये टोटल 3 पेयर हैं इसके अंदर। ये हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर बजरी की कॉलोनी लगाना चाहता हूँ और बजरी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इनके कलर्स बहुत पसंद हैं, लेकिन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये इतने ज़्यादा सूटेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं इनकी खूबसूरती की वजह से शौक से एक कॉलोनी तैयार करना चाह रहा था। और अक्सर कमेंट्स के अंदर जो है मेरे पास लिखा हुआ आता है कि आप बजरी जो है वो कब शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, मैं तो शुरू करना चाह रहा था, शायद बहुत लंबा हो जाता, लेकिन अली भाई की वजह से अब मेरी कॉलोनी जो है बजरी की भी जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाली है। तो ये बजरी जो है ये मैं अपने पास रखूँगा और इससे कॉलोनी जो है उसका आगाज़ करूँगा। तो अली भाई से पूछते हैं कि अली भाई के पास इस वक्त कौन से बर्ड्स हैं, और मेरे पास ये फिंचे लेने के लिए इतनी दूर आए हैं, महमूदाबाद में ये रहते हैं, वहाँ से फिंचे लेने के लिए आए हैं, तो इनका आगे फ्यूचर प्लान क्या है वो सब हम उनसे पूछते हैं। पहले तो ये पूछते हैं हमारा सेटअप इनको कैसा लगा। जी अली भाई, हमारा सेटअप कैसा लगा? सेटअप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आपका बहुत पसंद आया, वीडियो में भी देखा था, दिल कर रहा था आपसे मिलें, तो अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। सेटअप तो अब हम इनसे पूछते हैं कि आगे फ्यूचर में ये इनका क्या प्लान है और ये कितने पेयर जो हैं आगे चल के जो है लगाएंगे फिंचों के। फ्यूचर में यही प्लान है कि अभी तो फिलहाल पंजाब जा रहे हैं, वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे, जब तो वहाँ कॉलोनी बनाएंगे और 50 पेयर पहले करेंगे, अगर उनसे अच्छी सेटअप ब्रीडिंग हुई तो उसके बाद फिर 100 पेयर तक जाएंगे। जी, पंजाब जा रही हैं हमारी फिंचें यहाँ से सादकाबाद, और सादकाबाद में जाके ये सेटअप लगाएंगे। शुरू में 50 पेयर का सेटअप लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हुए 100 पेयर तक लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा क्लिप और क्लिप आपको पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं पैरट्स की तरफ जहाँ मैंने उन्हें रखा हुआ है, आइए उनको देखते हैं। जी फ्रेंड्स, ये जो कॉलोनी आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो कॉलोनी है ये फिंचज़ के पेयर मैंने इसमें रखे हुए हैं और पट्टे वगैरह मैं इसके अंदर फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ। ये कॉलोनी मैंने जावा के लिए सेट की है, पहले मैंने फिंचों के लिए बना रहा था, बनाते बनाते मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया था, फिर मैंने इसके अंदर जो है वो अभी जावा का प्रोग्राम बनाया है। इस कॉलोनी की पूरी एक कम्प्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है, बस उसको एडिट करके मैंने अपलोड करना है, तो वो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। तो इसके अंदर फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी तौर पर यहाँ पट्टे लगाए हुए हैं, पट्टों के साथ मैंने जो है बजरी के पैरट्स भी छोड़ दिए। तो फ्रेंड, रात भर कल से जो है ना मैं देख रहा था, कल पूरा दिन ये जाली को पकड़ के लटके हुए थे, जैसे ही अभी ये लटका हुआ एक, तो इसी तरीके से ये सारा दिन यहाँ पर मौजूद रहे। रात को मैं यहीं पर ऊपर मौजूद था, पूरी रात मैं यहीं पर था, तो मैंने रात को देखा कि ये पूरी रात यहाँ पे लटके रहे, लेकिन अभी सुबह जब मैंने उठकर देखा तो ये काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, डंडियों पे स्टिक्स के ऊपर बैठ रहे हैं, अब ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, और कभी ये नीचे घूम रहे होते हैं, कभी ये स्टिक्स के ऊपर होते हैं, मुझे ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। जी फ्रेंड्स, इसके अंदर एक वाइट कलर का भी है, ये जो है पीस ये बिल्कुल गुम हो जाता है फिंचों के अंदर और नज़र भी नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल फिंचों के कलर का है, और बाकी जो है ग्रीन और ब्लू ये तो दूर से नज़र आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे इलाके में थोड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है और मार्केटें थोड़ी बंद हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ पता वता करके आया हूँ, अभी इंशाल्लाह कल परसों में 2-4 दिन में कुछ लकड़ियाँ आ जाएंगी और यहाँ दो कॉलोनियाँ बना के ये जो फिंचें हैं सारी उसमें शिफ्ट हो जाएंगी,
और साथ ही साथ मैं डव की कॉलोनी भी तैयार कर रहा हूँ और वो भी तैयार होगी। फिर उसके बराबर में जो है इनके लिए मैं नई कॉलोनी बनाऊँगा अपने बजरी पैरट्स के लिए और इनको मैं वहाँ छोड़ने वाला हूँ। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं ईद तक ये सारी कॉलोनियाँ तैयार कर दूँगा एक हफ्ते के अंदर अंदर और फिर इंशाल्लाह जो है ये सब वहाँ पर पैरट शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो पट्टे हैं फिंचिस के पट्टे ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये हमारे जो बजरी पैरट्स हैं ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे अपनी दूसरी कॉलोनी के अंदर और यहाँ पर आ जाएंगी जावा। ठीक है, जावा की परचेजिंग जो है वो मेरी चल रही है और जैसे ही मेरे पास कंप्लीट जावा जो है मैं उठा लूँगा तो यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, डव की जो कॉलोनी मेरी है वो मैंने आगे शिफ्ट कर दी है। ठीक है, डव की अपडेट के अंदर मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा यहाँ पर जो है डव का एक वन बाई वन केज के अंदर सेटअप भी मैं शुरू कर रहा हूँ, तो कॉलोनी सेटअप भी चलेगा साथ साथ वन बाई वन केज के अंदर सेटअप भी मेरा चलेगा। तो जो जो सेटअप जहाँ जहाँ बन रहा है उसकी कम्प्लीट वीडियोज़ जो है मेरी आने वाली हैं और उनमें मैं डिटेल के साथ आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।